बृहस्पतिवार को ब्लॉक मुरादाबाद सदर के ग्राम पंचायत ताजपुर माफी के ग्रामीणों ने नव निर्वाचित प्रधान सचिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन पुत्र रतनलाल निवासी अकबरपुर बहरामपुर थाना विजयनगर तहसील गाजियाबाद का रहने वाला है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले ताजपुर माफी के प्रधान पद प्रत्याशी ताज मोहम्मद थे। जब ग्राम पंचायत की सीट बीसी में थी तो ताज मोहम्मद चुनाव लड़ रहे थे। जब बाद में ग्राम पंचायत प्रधान पद की सीट एससी में हो गई तो ताज मोहम्मद ने गाजियाबाद के रहने वाले सचिन कुमार को बुलाकर उनकी आईडी प्रूफ मुरादाबाद ताजपुर माफी की फर्जी तरीके से बनवाकर प्रधान पद उम्मीदवार के लिए पर्चा दाखिल कराकर चुनाव प्रचार में पोस्टर पर ताज मोहम्मद ने अपने फोटो के बराबर में सचिन कुमार का नाम छपवा दिया। जबकि बीएलओ समाना तनवीर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ताजपुर माफी की जांच आख्या के आधार पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड मुरादाबाद ने ग्राम पंचायत ताजपुर माफी द्वारा उप जिलाधिकारी तहसील सदर मुरादाबाद को उपरोक्त सचिन कुमार पुत्र रतनलाल का दावा आपत्ति बोर्ड बनाने योग्य नहीं है। आपत्ति निरस्त होने के बाद भी सचिन कुमार का फर्जी तरीके से बोर्ड बनवाकर चुनाव लड़ाया गया, जबकि सचिन कुमार ग्राम पंचायत चुनाव जीत गया, तब इसे ग्रामीणों में रोष है। ऐसे कैसे कोई भी बाहरी व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़ा दिया गया, जबकि सचिन कुमार का बोर्ड गाजियाबाद में भी है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, निर्देशक पंचायत राज अधिकारी लखनऊ, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ और मुख्यमंत्री से की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम सिंह है। कौन सी जगह रहते हो? यहीं पर रहता हूं, जाऊं। कौन सा गाँव है? ताजपुर माफी। अच्छा, जो आप जो प्रधान बनाए, क्या नाम है इसका? नाम ना जानते, नाम कभी इससे पहले कभी देखा? देखा ही ना। ये भी पता नहीं चला कि कहाँ का रहने वाला है। तो कैसे जिता दिया आप लोगों ने? हमने दिया था। हैं? तो पूरे गांव ने वोट दिया आयो से? अरे हमने धोई दिया वोट, वोट तो फर्जी बनाए तो पूरा वोट फर्जी बना। और क्या? आधार कार्ड फर्जी बना। अच्छा, जिनका ये फोटो लगा हुआ है उन्हें जानते हो आप? जिनका ये? हाँ, ताज मोहम्मद। हम नहीं जानते, इन्हें भी नहीं जानते हो? ताज मोहम्मद जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। कौन से गांव में रहते हो? जी ताजपुर माफी। अच्छा, गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? जी गांव के लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो ताज मोहम्मद है ये किसी अन्य आदमी को ला कर दिया, सचिन कुमार नाम है इसका, गाजियाबाद का रहने वाला है। तो इस चीज़ का इसने पता तो दिया नहीं कोई भी कि क्या है कैसे है। फर्जी 400 बीसी करके सारे कागज़ बनवा के और इसको दाखिल किया। चुनाव से 3 दिन पहले पंपलेट वगैरह छपवाए जिसपे कि उसका ताज मोहम्मद का फोटो है और सिर्फ नाम सचिन कुमार का उसके ऊपर। ना ही किसी गाँववासी को ये मालूम था कि कौन सचिन है, क्या है, सब भ्रमित थे क्या कौन सचिन है। लेकिन उस चीज़ का कानों कान किसी को पता नहीं लग पाया और चुनाव में उसने उतार दिया 400 बीसी करके। अच्छा, जे जिनका फोटो लगा हुआ है कौन है, कहाँ के गांव के हैं? कौन है? मोहम्मद हैं, गांव के हैं, मोहल्ला घोसीपुरा लगता है। क्या करते हैं वो? उनका काम प्रॉपर्टी का भी है और कुछ वैसे साइड से भी बिजनेस चलता होगा उनका। तो पूरा मामला मानते हैं फर्जी तरीके से उन्होंने? जी सारा फर्जी। तो गांव वाले आपकी क्या चाहते हैं? गांव वाले चाह रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाए, इसको निरस्त करने के बाद में दोबारा चुनाव होना चाहिए। अच्छा, एक रास्ते का विवाद आ रहा है कि रास्ते नहीं बने हुए हैं, वो क्या है मामला? रास्ते हमारे गांव के पूर्ण तरीके से सही हैं, हैंडपम्प वगैरह सब ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पूर्व प्रधान के ऊपर ये कीचड़ उछालना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से दबाव बने और जो हमारे 13 सदस्य हैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने हाईजैक्ट कर रखा है गांव के प्रधान को। जब प्रधान को मेंबर ही नहीं जानते, गांव का कोई निवासी नहीं जानता, तो हाईजैक्ट किसे बोलते हैं साहब? तो पूरा गांव इसके विरोध में है? जी पूरा गांव विरोध में है, इससे सहमत नहीं है। अच्छा, अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी वो काम कर रहे हैं भली भांति, हम उनसे बस एक ही निवेदन करते हैं कि सही काम करें, हम उनके सपोर्ट में हैं, ऐसा नहीं है, उनका सहयोग में। अच्छा, मान लीजिए अगर अधिकारियों ने आपकी बातें नहीं सुनी या नहीं माने तो क्या हो, गांव का क्या होगा? अगर अधिकारियों ने हमारी बातें नहीं सुनी, पहले तो सही फैसला लेंगे, वो सही सुनेंगे, क्योंकि हम जायज़ करा रहे हैं, नाजायज़ नहीं करा रहे, 400 बीसी कुछ नहीं। अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पेश होंगे जाकर, पूरे गाँव के साथ। जी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनाथ कुमार प्रजापति। कौन सी जगह रहते हो? ताजपुर माफी में। अच्छा, क्या आज ये प्रदर्शन क्या है, क्या मामला है पूरा? ये जो है सचिन कुमार जो ग्राम प्रधान ताजपुर माफी से बना, ये फर्जी है। कहाँ का रहने वाला? ये यहाँ का रहने वाला नहीं है, गाजियाबाद का रहने वाला है। यहाँ के लोग जानते नहीं है, ये फर्जी तरीके से जो है वोट बनवा करके और फर्जी तरीके से यहाँ आया है। इससे पहले कभी यहाँ देखा? कभी किसी ने देखा ही नहीं। यहाँ कभी किसी स्कूल में इसके बच्चे का एडमिशन दिखा दो या कभी, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है इसका। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये ग्राम प्रधान यहाँ से हटाया जाए, निरस्त किया जाए। अच्छा, आपको कब पता चला जब ये ग्राम प्रधान बन गया, तो आपको कैसे पता चला? ये जो है फर्जी तरीके से जब बन गया तब आया और इसने कुछ आधार कार्ड जो है फर्जी तरीके से बनवाए, उस तरीके से ये वोट मैं जो है जीत पाया। ना इसका फोटो लगाया और ना ही इसका जो है कोई फोटो लगाया गया, इसको जानते तक नहीं। फोटो नहीं दिखाया इसका। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ रहते हो? ग्राम ताजपुर माफी। अच्छा, क्या है पूरा मामला प्रधानी का, क्या है? इलेक्शन के दौर में जो फोटो लगाया गया था वो तो जो है किसी और का था, वो ताज मोहम्मद का था, नाम किसी और का था। नाम वाले को इस गांव वाले आज तक नहीं जानते कौन है, कहां का है। तो इसी को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? इसको लेकर विरोध में है। जो आदमी हमारी समस्याओं को जिसने देखा ही नहीं, वो हमारी समस्याएं क्या हल करेगा? हम किसी को नहीं जानते, वो आज तक किसी को नहीं जानता। तो क्या फर्जी तरीके से ये जीता है? देखो, जो सामने वाला पहचानने में नहीं आ रहा तो फर्जी होगा, ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल होता फोटो सामने होता। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारा सही बंदा चुनकर रखा जाए और एससी की सीट है, एससी वाले ग्राम ताजपुर माफी का होना चाहिए जो भी हो। अच्छा, गांव में एक अखबार में खबर छपी है कि रास्ता कोई नहीं बनवाया पूर्व प्रधान ने, वो मामला क्या है? ना, वो रास्ते सब सही है, ये सब कुछ गलत छपा हुआ है। हैंडपम्प, पानी सुविधा, रास्ते सब सही है और बाकी भविष्य में जो समस्या आएंगी, आने वाला बंदा अपने आप सही करेगा। क्या नाम है आपका? रंजीत सैनी। हाँ, कहाँ रहते हो? अच्छा, आपके पूर्व प्रधान के ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपके गांव के रास्ते नहीं बने, वो मामला क्या है? हमारे गांव के रास्ते सब बने हुए हैं। बढ़िया रास्ते कौन आरोप लगा रहे हो? सभी निर्माण कार्य कराया। अच्छा, जो आप इस टाइम जो प्रधान बना वो कौन है, क्या नाम है? हम जानते ही नहीं, तो कौन है, नाम क्या है उसका? नाम को पता है, नाम सुना हमने, कौन है प्रधान? देखा भी नहीं, देखा नहीं हमने। तो आपके गांव का प्रधान है, तो किस तरीके से आपको पता चला कि ये गांव का प्रधान बना? हमें तो ये बताया गया, तुम और सुना कर बाहर का आया हुआ है। कहां का है कुछ पता है? जाली प्रधानी बनी है। कौन से गांव का मामला है? नाम सचिन का, पता नहीं कहां कहां का है।